भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार से वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई है। सीरीज का पहला मैच ढाका में खेला जा रहा है, जहां इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज और न्यूजीलैंड दौरे पर टीम के उपकप्तान रहे ऋषभ पंत को वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया से रिलीज कर दिया गया है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी भी दी है। ट्वीट में लिखा है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम से विचार करने के बाद ऋषभ पंत को वनडे स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। वे टेस्ट सीरीज में टीम से जुड़ेंगे, उनका रिप्लेसमेंट नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि मेडिकल टीम से विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया, लेकिन इंजरी के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई। पहले वनडे मैच में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल के हाथ में है। अब पंत के बाहर होने से बाकी बचे मैचों में भी केएल राहुल ही विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि ऋषभ पंत अपने खराब प्रदर्शन की वजह से काफी आलोचना का शिकार भी हो रहे हैं। वह पिछले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 3 मैचों में 12.50 की औसत से केवल 25 रन ही बनाए थे। टीम के नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत पिछले काफी समय से अपनी इसी फॉर्म से जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पहले ऐसा लगा था कि ऋषभ पंत को टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया है, हालांकि बीसीसीआई ने फिर पंत को बाहर करने की वजह भी बताई। वहीं ऑलराउंडर अक्षर पटेल का नाम भी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं था। अक्षर पटेल वनडे के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसका कारण नहीं बताया गया। भारत ने तेज गेंदबाज कुलदीप सैन को डेब्यू करने का मौका दिया, जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।